हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्स गुरुकुल की इस डीटी की पाठशाला के अंदर। और मैं हूं आपका दोस्त और डीटी का घोष प्रोफेसर अमित राजपुरोहित। दोस्तों, महामैराथन के कुछ चंद आखिरी टॉपिक जो हम आज कर रहे हैं, इसके अलावा खाली टोटल इनकम वाला टॉपिक बचेगा जो हम कल कर लेंगे। एंड जो महामैराथन जो हमने किया है, मैंने कोशिश की कि सारे चैप्टर इसके अंदर मैं कवर करूँ, कोशिश करके ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। खाली एक TCS मैंने कवर नहीं करवाया, तो वो आप छोटा सा पार्ट है, TCS की रेट्स वगैरह आप वो देख लेना। बाकी उसके अलावा मैंने सब कुछ कवर करवाया है, ठीक है अभी तक। और मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपने चैप्टर बाय चैप्टर आपने देखा भी होगा सारे के सारे। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको नोट्स भी टाइम टू टाइम मिलते रहे, थोड़ी सी बीच बीच में कहीं पे कुछ डिसकंटिन्यूटी हुई है, बट कभी थोड़ा टेक्निकल इशू था, कभी किसी और रीजन की वजह से, बट उस सब के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि 15 तारीख तक अपना सब कुछ कंप्लीट हो जाए, तो फाइनली 15 तारीख तक अपना सब कुछ कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो जनवरी 2021 का अटेम्प्ट है बेटा, बराबर, वो अटेम्प्ट के लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ आप लोगों की, कौन कौन से चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है। एग्जाम स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मॉड्यूल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको मार्क करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए भी छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट्स का मैं रिकॉर्ड करके मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। मोस्टली 16th को ये वीडियो भी आ जाएगा आपके पास में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कीजिए। इसके अलावा सीए फाइनल के लिए भी मैं इसी तरीके से प्लान करने वाला हूँ, तो उसी तरीके से आप प्लान कीजिए अपनी स्टडीज को और मैक्सिमम मार्क्स लेके आइए, एग्जामिशन लेकर के आइए। और अभी तक का पिछला जो रिकॉर्ड रहा है मेरे स्टूडेंट्स को, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने करवाए हैं उनको, बराबर है, मार्क करवाया है, या फिर जो क्वेश्चन वगैरह मार्क मैंने करवाए हैं, तो अभी तक का जो हिस्ट्री रहा है बहुत अच्छा रहा है, मतलब 85% प्लस सक्सेस रेशियो है वहां पे। तो जी हाँ दोस्तों, उसी स्ट्रेटेजी को मैं पहली बार YouTube पे शेयर करने वाला हूं आप सबके सबके साथ में जनवरी अटेम्प्ट के लिए। और आइए दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं जो हमारे आज 2-3 छोटे मोटे टॉपिक्स जो लेने वाले हैं, बराबर है, और उन सब का मिला करके जो वेटेज होता है बेटा आपका 6 मार्क्स के आसपास का वेटेज, 6-8 मार्क्स का वेटेज हो सकता है। ओके दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक बेटा हम करने वाले हैं, सबसे पहला जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली ड्यू डेट गई है 10 तारीख को। अच्छा, ये ड्यू डेट एक्चुअल ड्यू डेट नहीं था इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, दिस वॉज द एक्सटेंडेड ड्यू डेट, ये एक्सटेंडेड ड्यू डेट था। और एक्सटेंडेड ड्यू डेट जैसा कि आपको पता है कि किसी रीजन की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, सरकार ने वो बार 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 एक्सटेंड किया और फाइनली 10 तारीख जो इंडिविजुअल जो नॉन ऑडिट असेसीज है उनके लिए रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट था। तो बेटा क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में जितना भी इनकम अर्न करोगे उसके ऊपर आपको टैक्सेस पे करने रहेंगे, तो टैक्सेस पे करने के लिए आप किसको, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप रिटर्न फाइल करोगे। और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप रिटर्न फाइल करोगे तो रिटर्न फाइल करना किसको कंपलसरी, किसको कंपलसरी नहीं है, वही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं बेटा, वही चैप्टर के अंदर डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या और प्रोविजन है वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम। बराबर, नोट्स आपको बेटा मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के अंदर, जो टैक्स गुरुकुल का हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा एंड्रॉइड ऐप के अंदर भी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम बेटा सेक्शन 139(1), सेक्शन 139(1) और 139(1) में भी सेक्शन 139(1) जो है वो किसकी बात करता है बेटा, वो बात करता है कंपलसरी रिटर्न ऑफ इनकम की। सेक्शन 139(1) बात करता है कंपलसरी रिटर्न ऑफ इनकम या रेगुलर रिटर्न ऑफ इनकम या मैंडेटरी रिटर्न ऑफ इनकम, जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, रेगुलर रिटर्न ऑफ इनकम, कंपलसरी रिटर्न ऑफ इनकम और मैंडेटरी रिटर्न ऑफ इनकम। तो सर क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर ये रिटर्न फाइल करना सबको मैंडेटरी है? ना, सबको मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे असेसी है जिनको मैंडेटरी है, जैसे कि कंपनी, अगर असेसी कंपनी है तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है ड्यू डेट के अंदर अंडर सेक्शन 139(1), या फिर अगर वहां पे एसएससी पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है तो इनको रिटर्न फाइल करना ड्यू डेट के अंदर क्या बेटा कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है, चाहे इनकम हो या इनकम ना हो ड्यू डेट के अंदर इनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और तीसरा बेटा रावसा, कौन 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 रावसा, अगर रावसा हमारे राजस्थान में रिवाज है, बराबर, हर हर व्यक्ति के पीछे वहां पे सा लगा के बुलाने का, आओसा, खाओसा, जाओसा, भाड़ में जाओसा, बराबर है, तो हर, ये तो ये बराबर आजकल मैं बहुत बोलने लगा हूं,
बराबर नहीं है बेटा, बराबर नहीं बोलना है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो राउसा है, राउसा तो उसको भी रिटर्न ड्यूरेट में फाइल करना पड़ेगा। एंड देयर इज अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2019 डीओ। अगर डीओ लगा के जाओगे, क्या लगा के जाओगे बेटा, डीओ लगा के जाओगे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी हो जाएगा। अगर आपने डीओ लगाया, क्या लगाया, डीओ, अगर आपने डीओ लगाया तो रिटर्न फाइल करना क्या हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, तो ये सब केस में कंपनी पार्टनरशिप फर्म एलएलपी राउसा एंड अभी नया क्या है बेटा, डीओ। अगर डीओ है तो रिटर्न फाइल करना बेटा कंपलसरी हो जाएगा। अब देखो बेटा ये नीचे लिखा हुआ आर आर क्या हो गया तेरे को भाई, चलना व्हाट इज द इशू। ओके, रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम इज कंपलसरी अंडर सेक्शन 1391। इन सब लोगों के लिए कौन कौन, ये जो मैंने आपको सारे के सारे बताया उनके लिए बेटा रिटर्न फाइलिंग इनकम क्या बेटा कंपलसरी है। अब बेटा नेक्स्ट आता है वहां पे आपका, नेक्स्ट आता है कि सर ये राउसा क्या है। पहले हम डिस्कस करते हैं राउसा क्या है, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि डीओ क्या है, डीओ क्या है। राउसा हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में डीओ क्या है। अरे यार there is some issue, let me check what is the problem, is the बराबर चल रहा है। ओके चलो, थोड़ा सा इश्यू था बट ठीक है। अब देखो बेटा ये राउसा क्या है, तो राउसा आपका आता है सबसे पहले आर ओ आर हैविंग, आर फॉर राउसा, आर ओ आर बराबर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैविंग असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। कोई आर ओ आर है जिसका कोई आउटसाइड इंडिया फॉरेन में असेट लोकेटेड, फॉरेन में क्या बेटा लोकेटेड है, असेट लोकेटेड है, या फिर और हैविंग साइनिंग अथॉरिटी इन एनी बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया। या तो आर ओ आर, आर एन ओ आर नहीं, एन आर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आर ओ आर के केस में वहां पे अप्लाई होगा कि जो आर ओ आर राउसा कौन होगा, आर ओ आर होगा, बराबर बराबर नहीं है। तो राउसा, राउसा आर ओ आर हैविंग असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया को असेट लोकेटेड है, या फिर उसका आउटसाइड इंडिया कोई बैंक अकाउंट है वहां पे उसका साइनिंग अथॉरिटी है, तो उसको रिटर्न फाइल करना इंडिया में कंपलसरी हो जाएगा, डजंट मैटर उसका कोई इनकम है कि नहीं है, ठीक है। ये सब किस लिए, इससे पता चलेगा गवर्नमेंट को कि भाई कोई जो रेसिडेंट है उसका आउटसाइड इंडिया कितना प्रॉपर्टी है, कितना असेट है, या फिर कोई बैंक अकाउंट है तो कितना पैसा पड़ा हुआ, वो डिटेल जानने के लिए सरकार बोलता है रिटर्न फाइल करो, डजंट मैटर आपका इनकम है कि नहीं है। दूसरा बेटा आता है कि जो असेट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ बेटा, असेट, ये जो असेट है, असेट के अंदर आपका सिर्फ असेट के अंदर जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी से वही नहीं आता, असेट के अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी आ जाएगा, तो असेट इंक्लूडेड फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑल्सो। फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर शेयर अगर है, ठीक है, तो वो आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। अगर वहां पे आर ओ आर है, वो किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है, मतलब उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आउटसाइड इंडिया, तो वो भी असेट है, और उस केस में उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, डजंट मैटर इनकम है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में नया जो अमेंडमेंट है डीओ, डीओ क्या लगा के जाओगे, डीओ लगा के जाओगे तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो डीओ सर क्या है, देखो ये रहा डीओ आपके सामने, सबसे पहला डी क्या है सर, डिपॉजिटेड अमाउंट मोर देन रुपीज 1 crore इन एग्रीगेट इन वन और मोर करंट अकाउंट मेंटेन विद एनी बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। अगर आपने किसी बैंक के अंदर करंट अकाउंट खुलवा रखे है, किसी बैंक के अंदर क्या खुलवा रखा है, करंट अकाउंट, के SBI के अंदर मैंने 2 करंट अकाउंट खुलवा रखे है, और दोनों अकाउंट के अंदर मिला करके वहां पे 1 crore से ज्यादा वहां पे डिपॉजिट करवाया है, क्या करवाया है, डिपॉजिट करवाया है, तो मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूँ कि सर इनकम तो 2.5 lakh से कम है तो मेरे को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आगे मैं बता रहा हूँ कि किसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। मैं बोलता हूँ सर मेरी 2.5 lakh से इनकम ज्यादा ही नहीं है, जो आदमी 1 crore से ऊपर बैंक अकाउंट में जमा करवा रहा है, करंट अकाउंट के अंदर जमा करवा रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट से इनकम छुपा रहा है, तो बोला जाएगा तेरे को रिटर्न फाइल करना है, डिफॉल्ट डिपॉजिटेड।
अमाउंट मोर देन रुपीज 1 crore इन एग्रीगेट और 1 or more करंट अकाउंट इन एनी मेंटेन विद एनी बैंक और कोऑपरेटिव. दूसरा है E1E, इनकर्ड फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंस ऑफ मोर देन रुपीज 2 lakh. मोर देन रुपीज कितना बेटा? 2 lakh ऑन हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन. कि खुद के ऊपर या किसी और पर्सन के ऊपर उसने पूरे साल में 2 lakh से ज्यादा खर्च किया फॉरेन ट्रेवल के ऊपर. सोचो जो आदमी 2 lakh से ज्यादा खुद के ऊपर या किसी और के ऊपर, कोई और है मुझे नहीं पता, खुद के ऊपर या किसी और के ऊपर फॉरेन ट्रेवल पे खर्च कर दिया 2 lakh से ज्यादा और वो बोलता है कि मेरी इनकम 2.5 lakh से कम है तो मेरे को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. मतलब वो 2 lakh जो फॉरेन ट्रेवल पर खर्चा कर रहा है और बोलता है मेरी इनकम 2.5 lakh से कम है तो मेरे को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स क्या बोलता है? तेरी इनकम कम भी है तो भी तेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बराबर. तीसरा आता है बेटा E2, इनकर. अच्छा दूसरा E1 क्या था? एक्सपेंस, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंस. E फॉर फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंस. E2 क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. अगर आपने पूरे साल के अंदर 1 lakh से ज्यादा, मोर देन 1 lakh रुपीज इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, किसका बिल पे किया बेटा? इलेक्ट्रिसिटी. तो सोचो जो आदमी 1 lakh से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकता है, बराबर है, तो उसकी इनकम कितनी होगी? और वो बोलता है मेरा 2.5 lakh से कम है तो मेरे को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. नहीं, तेरे को भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. तो E फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. और लास्ट में फुलफिल्स एनी अदर कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब. कोई और कंडीशन, अदर कोई और कंडीशन, उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और CBT टाइम टू टाइम वो अदर कंडीशन वहां पे ठीक है दे सकता है. तो किन सर? DO मतलब D फॉर डिपॉजिट रुपीज मोर देन 1 crore इन एनी करंट अकाउंट मेंटेन विद एनी बैंक और एनी कोऑपरेटिव बैंक. दूसरा E1 फॉर फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंस मोर देन रुपीज 2 lakh. फिर E2 क्या है आपका? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मोर देन रुपीज 1 lakh एंड एनी अदर कंडीशन. अगर ऐसी कंडीशन में कोई भी और देखो ये पीछे क्या लिखा हुआ बेटा, और लिखा हुआ है, आप देखोगे और लिखा हुआ और ठीक है और. तो इनमें से कोई भी एक सिचुएशन है तो उस केस में उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. तो DO नया आया है. इसके अलावा बेटा जितने भी लोग बचते हैं अप्लम सप्लम अदर्स, तो उनके लिए क्या बेटा ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है? कि रिटर्न फाइल करे चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो कंपल्सरी इफ, अच्छा कब कंपल्सरी हो जाएगा बाकी सबके लिए? अगर ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड कर जाता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. तो बेसिक इनकम लिमिट हमने बेसिक कौन से वाले चैप्टर में पढ़ा था? 2.5 lakh रुपए, सीनियर सिटीजन केस में 3 lakh रुपीज और सुपर सीनियर केस में 5, सीनियर सिटीजन केस में 5 lakh रुपीज. अगर उससे ज्यादा GTI होता है, GTI का मतलब क्या होता है सर? जो पांचों हेड्स मिलाकर के है, जो पांचों हेड्स मिलाकर के इनकम होती है, बराबर 5 heads की इनकम होती है, उसमें से आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे. अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड वहां पे लॉसेस वगैरह है, ब्रॉड फॉरवर्ड कोई लॉसेस वगैरह है तो वो आप लेस कर दोगे. तो ये सर आता है GTI, ये आता है GTI. ये GTI अगर अप टू रुपीज 2,50,000 है, या सीनियर सिटीजन केस में अप टू रुपीज 3 lakhs है, या फिर सुपर सीनियर सिटीजन केस में अप टू रुपीज 5 lakhs है, तो किसी भी तरीके से रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी नहीं है. दिस इज ऑप्शन, एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो कर सकता है चाहे तो ना भी करे. ठीक है, अगर DO वाला राव साहब वाला कंपनी उन सबका केस नहीं है तो ठीक है. अगर DO वाला केस है बेटा, भले 2.5 lakh से इनकम कम है तो भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. अगर DO वाला केस है या राव साहब है तो 2.5 lakh से कम इनकम तो भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, बाकी केस में बेटा ये जो GTI अगर अप टू बेसिक एमसी लिमिट रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. लेकिन कोई वहां पे ATC का डिडक्शन वगैरह लेता है, मतलब चैप्टर 6 से वगैरह डिडक्शन वगैरह लेता है, और NTI उसका जो है जो नेट टोटल इनकम है बेटा वो बेसिक एमसी लिमिट से कम, वो बोलता है मेरे को तो टैक्स पे करना आता ही नहीं है, डजंट मैटर तेरे को टैक्स पे करना है कि नहीं करना. NTI चेक नहीं करना बेटा, आपको क्या देखना है? GTI देखना. क्या देखना है? GTI. ये बेसिक एमसी लिमिट ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो लोग ऐसे ही करते हैं कि भाई ऊपर वाला GTI 3.5 lakh है, ठीक है 1,50,000 का ATC में डिडक्शन ले लिया तो बोलता मेरे को तो टैक्स भरना ही है. लेकिन सरकार को कैसे पता चलेगा कि तुमने ATC का डिडक्शन लिया है? तो प्रूव करने के लिए, वो बताने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. तो आपको GTI वहां पे चेक करना है. तो किस-किस को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है वो मैंने आपको बता दिया. अब आता बेटा कब आपको रिटर्न फाइल करना, मतलब ड्यू डेट क्या रहेगा सर? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1), कब तक आपको रिटर्न फाइल करना है? ठीक है, तो अगर असेसी वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑडिट करवाने का है, ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो चीटिंग करती है, सीए फाइनल में पढ़ा होगा बेटा, जो मल्टीनेशनल कंपनी जो चीटिंग करती है उनको ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑडिट करवाना पड़ता है, तो उस केस में बेटा 30th November ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. दूसरा बेटा काउ, अगर असेसी क्या है? काउ, असेसी क्या है? काउ, काउ मतलब असेसी कंपनी है. असेसी क्या है? कंपनी अदर देन जो अब ट्रांसफर प्राइसिंग वाला उसको छोड़ करके, तो असेसी कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टैक्स गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड, वेरियस वैल्यूज इनोवेटिव पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी सारी क्या है? कंपनीज है. तो इनके केस में या फिर एनी असेसी हूज बुक्स ऑफ अकाउंट, यूज नहीं है बेटा, हूज
बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर टू गेट ऑडिटेड अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ में, चाहे जीएसटी में ऑडिट करवाना है, चाहे कंपनीज एक्ट में ऑडिट करवाना है, कंपनीज एक्ट में तो कंपनी को करवाना पड़ता है, सीधी सी बात है, जीएसटी में ऑडिट करवाना है, या फिर आपको किसी और एक्ट में, जैसे कि ट्रस्ट वगैरह को, जो रेस्पेक्टिव ट्रस्ट एक्ट होता है उसके अंदर ऑडिट करवाना पड़ता है, पॉलिटिकल पार्टी को रेस्पेक्टिव जो आपका एक्ट है उसके अंदर ऑडिट करवाना पड़ता है, डजंट मैटर इनकम टैक्स में ऑडिट है कि नहीं है, इनकम टैक्स में तो ऑडिट तभी होता है जब 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होता है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, आपको किसी और एक्ट में भी ऑडिट अगर करवाना है तो भी आपके लिए ड्यू डेट वहां पे 30 सितंबर हो जाएगा, या फिर ऐसी फर्म का पार्टनर, वर्किंग पार्टनर जिसकी फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट हो रहा है, पार्टनर का नहीं फर्म्स के बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट हो रहा है, ठीक है, तो वर्किंग पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म LLP फर्म ऑब्लिक LLP वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म LLP आर सब्जेक्ट टू ऑडिट अंडर एनी लॉ, ठीक है, काओ सी फॉर कंपनी, ए फॉर एनी SASE हूज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट, बराबर है, A for audit under any law, A for audit under any law, and W for working partner of a firm where firm or LLP is subject to audit, ठीक है, तो उसके वर्किंग पार्टनर के ड्यू डेट क्या हो जाएगा 30 सितंबर, तो इन सबके लिए ड्यू डेट आपका 30 सितंबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हो जाएगा, और बाकी अपलम चपलम जितने भी एसएससी बचते हैं वहां पे, मतलब जिनका ऑडिट नहीं होना है या जिनकी फर्म का ऑडिट नहीं होना है या जो कंपनी है, तो उनके केस में 31 जुलाई ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब बेटा एक चीज बता दूं मैं आपको कि अगर CBDT चाहे तो CBDT को एम्पावर कर रखा है, वो टाइम टाइम पे ड्यू डेट भी बढ़ा सकता है। अब आप बोलोगे सर हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि इस बार तो ड्यू डेट बहुत बढ़ गया और फाइनली आपका जैसे 31 जुलाई वाला अभी 10 जनवरी को अभी ड्यू डेट था वहां पे, तो सर हमारे लिए कौन सा एप्लीकेबल है? बेटा इंस्टीट्यूट ने एकदम क्लियर बोल दिया है, इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया था कि भाई आपको वो भी जो भी आपका एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स वगैरह वो एप्लीकेबल नहीं, आपको यही ड्यू डेट्स पढ़नी है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है ड्यू डेट से रिलेटेड तो आपको यही 3 ड्यू डेट्स ध्यान रखनी है, कोई एक्सटेंडेड ड्यू डेट आपको एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, आपने ड्यू डेट में रिटर्न फाइल नहीं किया, अगर आपने ड्यू डेट में रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? फीस, F for fees, section 234F के अंदर आपको फीस पे करना पड़ेगा, फीस फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, बराबर, कितना सर? अगर देखो ड्यू डेट में फाइल करते हैं तो कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है, सर एक्सटेंडेड ड्यू डेट में फाइल किया तो कोई दिक्कत नहीं, ड्यू डेट तो है, चाहे वो एक्सटेंडेड क्यों ना हो, अगर वहां पर रिटर्न फाइल किया ड्यू डेट आफ्टर ड्यू डेट, बराबर है, बट बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तो 5,000 रुपीज वहां पे फीस आ जाएगा, एंड अगर आपने रिटर्न फाइल किया आफ्टर 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर देन 10,000 वहां पे आपका फीस आ जाएगा। लेकिन इन बोथ केसेस, इन दोनों केस में अगर आपका जो नेट टोटल इनकम है वो अप टू ₹5 lakh तो मैक्सिमम फीस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ₹1,000। छोटा आदमी 5 लाख तक इनकम है, 5 लाख तक इनकम, इसको तो टैक्स भी पे करने को नहीं आएगा, सब रेमिट लेकर के सब बचा लेगा वहां पे, उस केस में उसको 1000 कितना बेटा 1000 का वहां पे मैक्सिमम फीस देना पड़ेगा। लेकिन 5 लाख से अगर वहां पे ज्यादा इनकम है तो उस केस में रेस्पेक्टिव 5000, अगर 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल किया है तब तो आपका 5000, और 31 दिसंबर के बाद में फाइल कर रहा है तो कितना 10,000। आपको बता दूं 31 मार्च के बाद में रिटर्न फाइल नहीं हो सकता, अगर गृह सरकार ड्यू डेट बढ़ाए तो वो एक अलग मैटर है, बट ये सिचुएशन के अंदर। तो अभी जैसे मैं बताऊं कि भाई 10 जनवरी वहां पे लास्ट डेट था, तो सर 10th जनवरी तक अगर किसी ने रिटर्न फाइल कर लिया तो सर कितना फीस? नो फीस। मैंने भी तो 31 दिसंबर को किया है, मैंने भी तो 31 दिसंबर, क्योंकि सरकार ने ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया था वहां पे। लेकिन अगर 10 जनवरी के बाद में कोई रिटर्न फाइल करेगा तो उसको 5 जनवरी बेटा सीधा 10,000 का फीस लगेगा, 10,000 का क्या लगेगा फीस, क्योंकि 31 दिसंबर निकल चुका है, ठीक है, तो उस केस में बेटा 10,000 का वहां पे फीस उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी का टोटल इनकम वहां पे अप टू ₹5 lakh है तो उस केस में मैक्सिमम ₹1,000, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। इसके बाद बात बेटा बल्क फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, छोटा सा सेक्शन है कि भाई क्या होता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटी देने के लिए अपने ऑफिस में प्रोविजन कर लेता है कि सारा सबका जितने भी एम्प्लॉयज है सबका रिटर्न यहीं पे फाइल होगा, एक एम्प्लॉय को बिठा दिया जाता है वहां पे, या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के बंदे को बिठा दिया जाता है और वो सबके रिटर्न फाइल करता है बल्क में, उसको बोलते हैं बल्क फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 139(1) के अंदर। इट इज नॉट कंपल्सरी, अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपने एम्प्लॉयर को अपनी इनकम का डिटेल दे देगा वहां पे और फिर एम्प्लॉयर रिटर्न फाइल करवा देगा। अगर एम्प्लॉय बोले नहीं मैं तो मेरे हिसाब से मेरे CA के पास में करवाऊंगा या मैं खुद करूंगा या मेरा भाई के पास में करवाऊंगा, ठीक है तू तेरा देख ले, मैं तो फैसिलिटी दे रहा हूँ, एम्प्लॉयर क्या बोलेगा मैं तो फैसिलिटी दे रहा हूँ, जिसको रिटर्न फाइल करवाना है करवा दो वहां पे, उनको बोलते बेटा बल्क फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था जब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ा था लॉस रिटर्न, देयर आर सम लॉसेस इफ यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड दीज लॉसेस, सेट ऑफ नहीं सेट ऑफ तो वैसे ही हो जाएगा,
बिलेटरल फाइल करके भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप उनको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उनको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट में फाइल करना पड़ेगा, विद इन ड्यू डेट में फाइल करना पड़ेगा जिस साल में लॉस हुआ है। सेक्शन 193 लॉस रिंग जो आपने पढ़ा था, इफ असेसी वांट्स टू कैरी फॉरवर्ड, वांट्स टू कैरी फॉरवर्ड द फॉलोइंग लॉसेस, देन असेसी हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 191 ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लॉसेज आर इनकर, सिर्फ उस साल का जिसमें लॉसेज इनकर हुआ है आपको कैरी फॉरवर्ड करने का है। ठीक है सर, कौन कौन से लॉसेज एनालिसिस किया था, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों, फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD वाला, एंड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनली मेंटेन रिसोर्सेज, हमने वहां पे भी पढ़ा था, टेबल में भी आपको याद होगा तो बताया था ये चीज कितने कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड से, तो आगे लिखा है वहां पे। लेकिन कुछ ऐसे लॉसेस जिनके लिए ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, बी रेटेड रिटर्न फाइल करके भी आप उनको कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो। सर कौन से, इफ असेसी वांट्स टू कैरी फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, उस दिन बताया था, देन असेसी कैन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वेदर ही हैज फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 1391 मतलब ड्यू डेट के अंदर, या फिर 1394 मतलब बी रेटेड रिटर्न फाइल किया, तो भी ये दो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, क्योंकि छोटे आदमी के लॉसेस है और जो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन उसका बेटा वो अनलिमिटेड ईयर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो इसके लिए वहां पे वो अगले साल ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बन जाता है, इसलिए वो आपका कोई कंपल्सन नहीं है कि भाई वो ड्यू डेट में ही वहां पे आपका रिटर्न फाइल हो, लेकिन बाकी के जो लॉसेस है उनको कैरी फॉरवर्ड करना है तो वहां पे ड्यू डेट में रिटर्न फाइल होना चाहिए। अच्छा, ये जो पांचों लॉसेस है, ये पांचों लॉसेस है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी आने जो करंट ईयर में सेट ऑफ करना चाहते हो, करंट ईयर में क्या करना चाहते हो, सेट ऑफ करना चाहते हो, तो ड्यू डेट का कंडीशन अप्लाई नहीं होता, आप बिलेटेड फाइल करके भी कर सकते हो। इफ असेसी वांट्स टू सेट ऑफ द लॉसेस, ये सारे लॉसेस, then he can set up by way of filing of return of income under section 1394 also bola hai 1394 nahi 1394 also matlab chahe to due date 1391 mein file kar de ya 1394 mein file kar de wahan pe loss set off kar lega kisi bhi income jo bhi na respective income ke sath ho sakta hai sir carry forward karna hai to condition hai sir aisa kai ko taki sarkar kya chahti hai ki bhai ye ek tarah ki saza hai ki agar tumne return due date mein file nahi kiya to tum apne losses carry forward nahi kar paoge to log fatafat jinke loss फटाफट वहां पे क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे ड्यू डेट के अंदर, ताकि सरकार का अगर कोई रेवेन्यू आ रहा है किसी और हेड से, इनकम वगैरह है वहां पे ऑब्वियसली, ठीक है, तो इन दैट केस उसके ऊपर सरकार का रेवेन्यू टाइम से पहुंच पाए और सरकार का भी काम जल्दी जल्दी खत्म हो। फिर उसके बाद में आता है बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम मतलब आपने ड्यू डेट में रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप बिलेटेड फाइल कर सकते हो। समझना बेटा इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से समझना, मैं बताता हूं कि ये आपका प्रीवियस ईयर है 1920 जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 19 को एंड एंड होता है 31 मार्च 2020 को, दैट इज योर असेसमेंट ईयर। यह आपका असेसमेंट ईयर है 2021 जो 1 अप्रैल 20 को स्टार्ट होता है 31 मार्च 21 को खत्म होता है। अब बेटा ये पर्टिकुलर ईयर का रिटर्न फाइल करना था वहां पे ड्यू डेट, और जो ड्यू डेट था अंडर सेक्शन 1391 ड्यू डेट था या तो आपका 31 जुलाई या फिर 30 सितंबर या फिर 30 नवंबर, जो भी सिचुएशन उसके हिसाब से, ये ड्यू डेट था। इस ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल करना था लेकिन भाई ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, भाई ने इस ड्यू डेट का रिटर्न फाइल नहीं किया। सर क्या कोई ऑप्शन है कि वो अपना रिटर्न फाइल कर सकता है? यस देयर इज ऑप्शन, और वो ऑप्शन क्या सर? बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। सर कब तक फाइल कर सकता है? तो देखो मेरी बात समझो, अगर इसके रिटर्न फाइल करने, देखो ड्यू डेट में तो फाइल किया नहीं, मतलब 1391 का ड्यू डेट तो चला गया, वो तो चला गया। आरओआई नॉट फाइल, यहां पर अगर मैं बोलू आरओआई नॉट फाइल ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं किया, वो डेट तो चला गया। अब बोल रहे कि सर मैं फाइल करूं कभी भी करूं क्या फर्क पड़ता है? नहीं बेटा ऐसा नहीं है, उसको एक मौका दिया जाएगा भाई इस पर्टिकुलर डेट तक फाइल कर ले, ठीक है। तो बोला गया कि एक काम कर, तू जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है ना 31 मार्च 2021 तक, तब तक रिटर्न फाइल कर ले, फीस लगना वो लग जाएगा, बट रिटर्न फाइल यहां डेट तक कर ले, ठीक है। उसके बाद में तेरे को मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद में तेरे को मौका नहीं मिलेगा। बोले ठीक है सर मैं तब तक कर लेता हूं, मतलब 31 मार्च 2021 के बाद में वो इस साल का प्रीवियस ईयर 1920 का ये असेसमेंट ये 2021 का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा, अनलेस एंड अंटिल सरकार ड्यू डेट बढ़ा नहीं देती है, 31 मार्च को आगे नहीं कर देती है, तो अदरवाइज 31 मार्च 2021 विल बी द लास्ट डेट कि वो रिटर्न फाइल कर पाएगा। समझना बात को,
समझना बात को। तो देखो बेटा मेरा ही केस लेते हैं कि मेरा 19-20 का रिटर्न मैंने फाइल मान लो नहीं किया ड्यू डेट के अंदर, और ड्यू डेट था 31 जुलाई, मैंने फाइल नहीं किया, सरकार बोलती है काम कर 31 मार्च 2021 तक कर दे। वी आर अज्यूमिंग कोई किसी तरह का डेट एक्सटेंशन नहीं हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई डेट एक्सटेंशन नहीं हुआ है, तो सरकार ने बोला 31 मार्च 2021 तक कर, तो अगर मैंने 31 मार्च 2021 तक रिटर्न फाइल कर दिया उसको बोलेंगे बिलेटेड रिटर्न। क्या बोलेंगे बेटा? बिलेटेड रिटर्न, ठीक है, तो मतलब लास्ट डेट है 31 मार्च 2021। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है कि यहां पे 31 दिसंबर 2020 को जो एओ है असेसिंग ऑफिसर, उसने मेरा असेसमेंट कर डाला, असेसमेंट ऑर्डर पास, असेसमेंट ऑर्डर पास्ट, एओ ने मेरी इनकम निकाल ली, असेसमेंट ऑर्डर पास मतलब एओ ने मेरी इनकम निकाल ली, एओ ने, इनकम टैक्स वालों ने मेरे निकालने से पहले, इनकम टैक्स ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इनकम टैक्स वालों ने मेरी इनकम निकाल दी, उसके ऊपर टैक्स कितना बनता है वो निकाल दिया और मेरे को ऑर्डर भेज दिया कि भाई साहब आपको इतना इनकम है और आपको इतना टैक्स पे करना है, निकाल के फाइल कर दिया। अब 31/12/2020 को ऑर्डर पास हो गया कि मेरा 10 लाख का इनकम है और मेरे को 2.5 लाख का टैक्स पे करना, हाइपोथेटिकल एग्जाम है, पात्र घटना का काल्पनिक वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, 2.5 लाख टैक्स पे करना है। अब मैं जाकर के 1 जनवरी 2021 को मैं बोलता हूं कि मेरा रिटर्न फाइल करूंगा, इज देयर एनी सेंस? नो, देयर इज नो सेंस, बिकॉज आपकी ऑलरेडी इनकम निकाली जा चुकी है, टैक्स निकाली जा चुकी है, जो काम तुमको करना था वो तुम नहीं कर पाए, डिपार्टमेंट को करना पड़ा, और डिपार्टमेंट ने अगर काम वो कर दिया तो उसके बाद में आप वो काम नहीं कर सकते। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि असेसमेंट ऑर्डर अगर पास हो गया है, असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, असेसमेंट क्या हो चुका है, कंप्लीट असेसमेंट मतलब आपकी पूरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एनालिसिस हो गया, वहां पर टोटल आपकी इनकम निकाल ली गई, उसके ऊपर टैक्स निकाली गया और ऑर्डर पास, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट कंप्लीट, कहानी खत्म, तो उसके बाद में आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो उस केस में आप लास्ट टू लास्ट रिटर्न फाइल कब तक कर सकते सर? 31 दिसंबर 2020 तक कर सकते थे, उसके बाद में नहीं कर सकते, फिर वो 31 मार्च का भी डेट गया। तो यही बेटा सिचुएशन देखो यहाँ पे, सिचुएशन देखो यहाँ पे, इफ असेसी हैज नॉट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 1391, ही कैन फाइल बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 1394 एज फॉलो। सर पहला, टिल द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब 31 मार्च 2021, और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अपने केस में असेसमेंट कब कंप्लीट हुआ है सर? 31 दिसंबर 2020, तो 31 मार्च 2021 या 31 दिसंबर 2020, विच एवर इज अर्लियर, लास्ट प्लस कब तक फाइल कर सकते हो? 31 दिसंबर 2020 तक ही फाइल कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर असेसमेंट नहीं हुआ होता बेटा, तो उस केस में आप 31 मार्च तक फाइल कर सकते थे। सर बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का नुकसान क्या है इसमें? तेरा घाटा, डिपार्टमेंट का कुछ नहीं जाता। बोले क्या नुकसान है सर? सेक्शन 234A में इंटरेस्ट लगेगा, जितना आपका टैक्स होता था, जितना आपने डिले किया है, 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, फीस लगेगा 234F के अंदर 5,000, 10,000, 1,000 में भी, एंड असेसी कैनॉट कैरी फॉरवर्ड फाइल लॉसेस रेफर्ड अंडर सेक्शन 1393 जो हमने अभी पढ़ा। इसमें तेरा घाटा, सरकार का कुछ नहीं जाता, अगर टाइम पे रिटर्न जाता तो तेरा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता। थोड़ा सा राइमिंग में ऊपर नीचे चलता है। इसमें तेरा घाटा, सरकार का कुछ नहीं जाता, टाइम पे रिटर्न फाइल हो जाता तो तेरे को फीस नहीं लगता, बराबर, इंटरेस्ट नहीं लगता, तो ये वहां पे आपका नुकसान है। अच्छा, अगर जेन्युइन हार्डशिप है, आप बोलते सर मैं तो रिटर्न फाइल करना चाहता था लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो हॉस्पिटल में था, कोविड हो गया था सर, आइसोलेशन में था, क्वारंटाइन में था, ठीक है, तो मैं उसकी वजह से ड्यू डेट जाने के बाद में रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उस केस में बेटा आपको वहां पे रिलीफ मिल सकता है जेन्युइन हार्डशिप, लेकिन आपको फिर सबूत देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ सर मेरे साथ में ऐसी सिचुएशन हुई थी, इसकी वजह से मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाया। सो इन केस ऑफ जेन्युइन हार्डशिप असेसी कैन फाइल बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम इवन आफ्टर 31 मार्च, मतलब इस डेट के बाद में फाइल कर सकता है, ठीक है। Relevant assessment year provided if CBDT is permitted for the same, assessee shall apply to CBDT with the all documentary evidences related to the hardship. वो बोलेगा सर इसमें मेरे साथ में गलत हुआ था तो इसकी वजह से मैं नहीं फाइल करवा था, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज 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 मुझे अलाउ करना, मुझे अलाउ करना वहां पे, तो ये बिलेटेड रिटर्न। अब बेटा आता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल किया, चाहे वो रेगुलर रिटर्न था मतलब 1391 के अंदर, या फिर बिलेटेड रिटर्न फाइल किया आपने 1394 के अंदर, और उसके अंदर गलती से कुछ मिस्टेक रह गया, गलती से कुछ क्या रह गया, मिस्टेक रह गया, बाद में आपको याद आता है, बाद में आपको याद आता है, बाद में आपको याद आता है कि सवाल ये तो मिस्टेक रह गया,
तो क्या आप वहां पे अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हो? यस, यू कैन रिवाइज योर रिटर्न ऑफ इनकम, यू कैन रिवाइज योर रिटर्न ऑफ इनकम, लेकिन सर कब तक, कब तक, आखिर कब तक? तो देखो बेटा, ये आपका प्रीवियस ईयर क्या है, 1920, फर्स्ट अप्रैल 19, 31 मार्च 2020, ये आपका आ गया असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है, फर्स्ट अप्रैल 20, 31 मार्च 2021। अब बेटा ये आपका ड्यू डेट था, ये ड्यू डेट था, ठीक है, 139, अच्छा ड्यू डेट क्या बाढ़ में 139(1) के अंदर या फिर 139(4) के अंदर आपने आरओआई फाइल कर दी, या तो रेगुलर रिटर्न या फिर आपने बी रेट रिटर्न फाइल किया, कोई से भी एक्स वाई जेड डेट को ले लेते हैं वहां पे। अब आपको पता चलता है वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन, वो इंस्टीट्यूट से जो इनकम आई थी मेरी, उसको तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया, क्या आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हो? यस, आप वेरी नेक्स्ट डे आप अपना रिटर्न रिवाइज कर लोगे और जो इनकम नहीं दिखाई उसको इनकम दिखा दोगे। अब बेटा अगले दिन फिर से उठते हो, वो डेप्रिशन क्लेम करना था सर, वो डेप्रिशिएशन का डिडक्शन तो मिला ही नहीं, तो क्या आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हो? नहीं सर, एक ही बार कर सकते हो, नहीं सर दो बार कर सकते हो, नहीं सर चार बार कर सकते हो। बेटा मैं अनलिमिटेड टाइम्स, मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स अपना रिटर्न में रिवाइज कर सकता हूं, एन नंबर ऑफ टाइम्स रिटर्न रिवाइज कर सकता हूं, कभी भी रिटर्न फाइल कर सकता हूं, रोज सुबह उठ के कॉफी पीने के साथ में, चाय पीने के साथ में मैं अपना रिटर्न रिवाइज कर लूंगा, रात को दूध पीते पीते मैं अपना रिटर्न रिवाइज कर लूंगा, बराबर है, मैं चाहूं तो ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, दिन में दो बार, दिन में चार बार, दिन में आठ बार, डेली रोज रोज रिटर्न वहां पे रिवाइज कर सकता हूं, जितनी बार चाहू रिटर्न रिवाइज कर सकता हूं। लेकिन सर क्या जिंदगी में रिटर्न रिवाइज करवा मरने से? अरे बेटा मेरा रिटर्न ना मुन्ना ना, उस केस में बेटा लास्ट आप अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हो 31 मार्च 2020 तक, लास्ट इस पीरियड तक आप जितनी बार चाहो वहां पर रिटर्न रिवाइज कर लो, रिटर्न रिवाइज क्या कर लो वहां पे रिवाइज कर सकते हो 139(5) के अंदर। लेकिन अगर उससे पहले ही अगर आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया 31 दिसंबर 2020 को ही एओ ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर लिया, एओ ने क्या कर लिया, ऑर्डर पास कर लिया, असेसमेंट ऑर्डर पास कर लिया, तो उसके बाद में आप अपना रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते, तो उस केस में 31 दिसंबर, वो सेम ऊपर वाले से, तो इफ असेसी हैज फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 191 और 194 एंड डिस्कवर्स एनी ओमिशन और एरर, देन असेसी कैन फाइल रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 195 विद इन द टाइम लिमिट टिल द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। कितनी भी टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम वहां पर रिटर्न रिवाइज कर सकता है, ठीक है, रिटर्न कैन बी रिवाइज फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स प्रोवाइडेड टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 195 इज अवेलेबल, या तो ये 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर, जो भी आपका डेट है अगर वो अवेलेबल है तब तक कर सकता है। रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी रिवाइज ओनली बाय वे ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 195 एंड नॉट बाय वे ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन। आप एओ को लव लेटर भेज के सर मेरी ये इनकम वहां पे रिवाइज कर, ना 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 ना, आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 1395 के अंदर, ये होता है आपका 1395 रिवाइज रिटर्न। उसके बाद में आता बेटा पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, 139(a) परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, ठीक है बेटा, आपको पैन लेना कब कंपलसरी है, वो सिचुएशन देखिए, फॉलोइंग पर्सन हु हैव नॉट बीन अलॉटेड अ परमानेंट अकाउंट नंबर टू अप्लाई टू असेसिंग ऑफिसर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन। अगर आपके पास में परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, पैन नहीं है, तो आप अप्लाई करो पैन के लिए, अप्लाई करो, नहीं करोगे तो ईओ खुद भी अलॉट कर सकता है उसको लगेगा तो। सर कौन कौन से केसेस, सर कौन कौन से केसेस के और अलग अलग सिचुएशन है यहाँ पे भी, और अलग अलग से और ये कुछ केसेस है कि एवरी पर्सन हु इज टोटल इनकम ऑफ or any person in respect of which he is assessable under this act during any previous year exceeded the BCMC limit। कि भाई मेरा पहली बार मेरा जो total income है बेटा वो 3 लाख रुपए को, कितना हो गया 3 लाख, मेरे को return file करना पड़ेगा, और जब मैं return file करूँगा तो मेरे को permanent account number वहाँ पे quote करना पड़ेगा, तो मुझे PAN के लिए apply करना पड़ेगा क्योंकि मेरा total income 3 लाख हो गया। मान लो मेरा total income 3 लाख नहीं हो रहा, लेकिन मेरी daughter है जियाना, उसको कहीं से इनकम हुआ और वो इनकम मेरे हैंड्स में क्लब हो रहा था, तो उस केस में जियाना की इनकम 3 लाख हो गई, तो उस केस में मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्योंकि मेरे हैंड्स में क्लब होगी वो, तो इन दैट केस पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
या फिर एवरी पर्सन जो कि नया बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट कर रहा है, पहली बार बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट कर रहा है, उसका सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव एक्सीड्स या लाइकली टू बी एक्सीड 5x इन एनी प्रीवियस ईयर। तो भाई पहली बार स्टार्ट किया मैंने, गन्ने का जूस का ठेला लगाया और टर्नओवर मेरा 5 लाख को क्रॉस कर गया या 5 लाख को क्रॉस करने वाला है, मेरे को परमानेंट कौन नंबर लेना पड़ेगा। या फिर एवरी पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन इंडिविजुअल व्हिच एंटर्स इनटू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एन अमाउंट एग्रीड ऑफ ₹2,50,000 और मोर इन अ फाइनेंशियल, किसी एक साल में मैं किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में एंटर करता हूं कितना सर 2.5 लाख या उससे ज्यादा मेरे को पेन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर मैं किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो वहां पे आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है, डिन और उसका प्री रिक्विजिट बेटा कंडीशनर डिन लेने के लिए, ठीक है, डिन लेने के लिए। इवन डिन के साथ में डिन से पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर वगैरह चाहिए रहेगा, तो उनके लिए परमानेंट अकाउंट नंबर कंपलसरी है। तो अगर आपको किसी कंपनी का एमडी बनना है, डायरेक्टर बनना है, पार्टनर बनना है, फर्म का ट्रस्टी बनना है, तो ऑथर बनना है, फाउंडर बनना है, कर्ता बनना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर, ऑफिस बेरर, तो उस केस में आपको परमानेंट अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा। ये तो अगर बेटा पैन के लिए अप्लाई कब करना है, परमानेंट को लेना कब है, मॉड्यूल के अंदर आपको कुछ केसेस दे रखे हैं जहां पे आपको बता रखा है कहां कहां पे पैन कोड करना है बेटा, वो याद कर लेना बेटा, क्वेश्चन आता है, ठीक है, केसेस वेयर पैन हैज टू बी कोटेड, कहां कहां पे पैन कोड करना है। जैसे कि अगर आप बैंक में 50,000 ज्यादा कैश जमा करवाने के लिए गए तो परमानेंट अकाउंट नंबर मांगेंगे, अगर आपको म्यूचुअल फंड वहां पे की यूनिट्स लेने की तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको शेयर्स में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का है तो उसके लिए वो क्या लेना पड़ता है, डीमैट अकाउंट खुलवाना, आपको परमानेंट अकाउंट मिलेगा। अगर आप कार लेना चाहते हो परमानेंट अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप किसी होटल में 50,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर वहां पर कोड करना पड़ेगा, लेना नहीं पड़ेगा कोड करना पड़ेगा, सारे वो जगह बता जहां पर कोड करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे केसेस है वहां पे जहां पे आपको परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना पड़ेगा, और वो प्लीज आप मॉड्यूल के अंदर देख लेना, आपको मिल जाएंगे और वो याद कर लेना, कम से कम 7 से 8 केस, और ऐसे जो मैंने अभी आपको बताया मुझवानी बता दिए वहां पे, तो 7 से 8 केसेस है बेटा ऐसे है जो आप ध्यान रखना ताकि आपको याद रहे, तो क्वेश्चन में आए तो आप लिख सको। उसके बाद में आता है बेटा स्कीम ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू TRP टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स, के सरकार का स्कीम है कि भाई TRP है ना, कि भाई जो रिटर्न वगैरह चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बड़े बड़े लोग क्या फाइल करें, तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे स्कीम निकाला गया था TRP, मतलब जो ग्रेजुएट्स वगैरह लोग होते हैं उनके पास में जॉब नहीं है तो उनको एक काम करो थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग देकर के CBET और उनको TRP का लाइसेंस दे देंगे, तो गली गली घूमेंगे इंश्योरेंस एजेंट की तरह, रिटर्न फाइल करवा लो, रिटर्न दो, रिटर्न फाइल करवा लो, ऐसे बोलेंगे। सर उसका फायदा क्या है, उसके 2-3 फायदे, नंबर 1 बेरोजगारों को रोजगार मिल गया, नंबर 2 जब बेरोजगार के पास में रोजगार होगा तो जैसे इंश्योरेंस एजेंट बकरे ढूंढते रहता है वैसे ये TRP बकरे ढूंढेगा, भाई रिटर्न फाइल करवाने का तो क्या फायदा है मालूम है, बोले नहीं यार अगर मान ले तूने रिटर्न फाइल कर रखा है तेरा एक्सीडेंट होता हो जाता है तो सरकार तुझे 50 लाख तेरी फैमिली को देगी, ऐसी अफवाही चलती है, मैंने भी सुनी है, कहना मतलब 50 लाख रुपए देगी, वो सच में कर मेरा भी कर डाल, कितने फीस लगे, ज्यादा नहीं 1,000 रुपए लूंगा मैं, तो कहने का मतलब प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स ढूंढेगा सरकार के लिए, खुद के लिए भी और सरकार के लिए भी। और तीसरी चीज है बेटा सरकार के पास में रेवेन्यू जनरेशन आएगा ज्यादा ज्यादा, कहने का मतलब कोई आदमी आएगा लाइन क्या बोलते हैं जो स्ट्रीम लाइन होगा रिटर्न, तो हो सकता है कोई टैक्स भी बल ले बराबर, और फिर वहां पे सरकार के पास में रेवेन्यू जनरेशन होना लगेगा और सरकार के पास में डेटा कलेक्शन भी होगा, तो मल्टीपल वहां पे फायदे। सरकार ने बोला कि भाई TRP को लाइसेंस दे दो वहां पे तो रिटर्न फाइल कर सकता है। सर ये TRP कौन कौन नहीं हो सकता, सर TRP मींस एनी इंडिविजुअल अदर देन एनी ऑफिसर ऑफ अ शेड्यूल बैंक विथ विच द असेसी मेंटेन्स अ करंट अकाउंट एंड हैज अदर रेगुलर डीलिंग। ICICI बैंक के अंदर मेरा वहां पे करंट अकाउंट है, ICICI बैंक के अंदर मेरा क्या करंट अकाउंट है, तो ICICI बैंक का मैनेजर वो बोलता है सर मैं TRP में आपका रिटर्न फाइल करूंगा, ना 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 वो TRP नहीं हो सकता। एनी लीगल प्रैक्टिशनर लायर कोई लायर वगैरह है तो वो TRP नहीं हो सकता जो कोर्ट में प्रैक्टिस वगैरह करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बराबर, ये सब बड़े बड़े लोग हैं ऑलरेडी, बड़ा माल छाप के बैठे हुए दबा के बैठे, इसका भी काम खा जाओ तुम लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पे नहीं हो सकता। एनी एम्प्लॉय ऑफ द स्पेसिफिक क्लास और पर्सन वो भी आपका TRP नहीं हो सकता। सर TRP के पास में रिटर्न कॉइन फाइल करवा सकता है छोटे मोटे लोग, लेकिन जिनका टैक्स ऑडिट होने वाला है या फिर कंपनी है उनको तो CA के पास में जाना पड़ेगा, उनका रिटर्न TRP फाइल नहीं कर सकता, ठीक है, स्पेसिफाइड क्लास, ये तो ठीक है 44B वगैरह ये चीजें तो ध्यान रखना वहां पे, ठीक है।
फिर आता है बेटा कोटिंग ऑफ आधार नंबर, कोटिंग ऑफ आधार नंबर के आधार कोट करना का कंपलसरी है। सो ऑन आफ्टर 1 जुलाई 2017 कोटिंग ऑफ आधार इज कंपलसरी, कंपलसरी बेटा कंपलसरी। कहां पे? रिटर्न ऑफ इनकम फाइल बाय असेसी फॉर एनी असेसमेंट ईयर। आप कोई भी रिटर्न फाइल करोगे आधार नंबर कोट करना पड़ेगा। दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पेन, अगर आप पेन के लिए अप्लाई करोगे आपको आधार नंबर कोट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ वहां पे केसेस सिचुएशन ऐसी होती है कि मान लो आपके पास में आधार नंबर है ही नहीं, आपको अलॉट नहीं कर रखा, तो उस केस में बेटा आधार नंबर की जगह जो एनरोलमेंट आईडी होता है आधार अप्लाई करते हो वो आप कोट कर दो। सो इफ आधार नंबर इज नॉट अलॉटेड देन असेसी कैन कोट एनरोलमेंट आईडी। दूसरा, सर मैंने ऑलरेडी परमानेंट अकाउंट नंबर ले रखा था 2007 में ही ले रखा था, आधार कार्ड तो मैंने 2018 में बनवाया है, मैंने कह रहा हूं 2017-18 में बनवाया मैंने आधार कार्ड, तो सर उस केस में तो मेरा पेन अप्लाई पहले हो चुका था तो मेरे को भी जरूरत थी, तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है उसको आधार से लिंक करना पड़ेगा। इफ असेसी हैज ऑलरेडी अलॉटेड पेन देन ही हैज टू लिंक आधार नंबर विद परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। इफ असेसी हैज फेल्ड टू लिंक आधार नंबर विद पेन देन पेन शैल बी डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड, बराबर, नया पेन लो। फिर एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 139AA से आधार, डबल ए से आधार उसके एक्सेप्शन कि भाई कहां कोट करने की जरूरत नहीं है। सो फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कोट आधार, पहला नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर आसाम मेघालय एंड अ सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी एज 80 इयर्स है या उससे ज्यादा है। सर इन लोगों क्यों नहीं करने का? देखो नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन सीधी सी बात है, इनको आधार वहां पे अलॉट ही नहीं होगा तो इनको कोट करने की जरूरत ही नहीं है, रिटर्न फाइल करेंगे तो भी कोट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आसाम एंड मेघालय, ये तीन ऐसे स्टेट है जहां पे डिस्प्यूट है, आधार बहुत स्लो प्रोसेसिंग बन रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पता है सेपरेटिस्ट है वहां पे, वो लोग आधार नहीं बनवाएंगे क्योंकि बोलेगी तो सिटीजनशिप का और इंडियन सिटीजनशिप का हो गया तो वो, और दूसरा स्लो प्रोसेस चला के टेरिस में बनवा दे। मेघालय के अंदर भी सेम सिचुएशन है वहां पे, और आसाम के अंदर बांग्लादेशी भरे पड़े आपको सबको पता है, तो इसलिए वहां पे आधार कार्ड का प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है, तो उन लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया। और सबसे लास्ट में था सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब जिसकी एज 80 इयर्स और अबो है ड्यूरिंग द प्रीवियस, उसको भी कोट करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न फाइल करें या पेन के लिए अप्लाई करें। सर इनको क्यों नहीं? बेटा ऐसे लोग अगर आधार बनवाने जाते हैं तो उनके उनके साथ में बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उनके जो उंगलियों के निशान है ना, रेखा है, वो मिट चुकी है, तो थंब इंप्रेशन वगैरह प्रॉपर नहीं, आंखों की पुतलियों से वो नहीं आ रहा है तो बन नहीं पा रहा, तो इसकी वजह से इनको भी कंपल्सन नहीं है, ये ध्यान रखना, एक्सेप्शन ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ बेटा, अमेंडमेंट आया है, एक अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2019, और वो अमेंडमेंट क्या बोलता है बेटा कि अगर आपके पास में परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, आपके पास में परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है और आपके पास में आधार है, तो आप वो आधार कोड करके भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। इफ नो पेन असेसी कैन फाइल आरओआई बाय कोटिंग, कोटिंग का स्पेलिंग क्या होता है यार, सिया कोटिंग आधार नंबर, ठीक है। अगर किसी के पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं तो रिटर्न फाइल के सरकार थोड़ा फ्लेक्सिबल हो रही है, आधार को ज्यादा वहां पे कवरेज देने की कोशिश कर रही है, तो ये अमेंडमेंट ध्यान रखना। सर अगर किसी के पास पेन नहीं तो क्या रिटर्न फाइल कर सकता है? यस, आधार नंबर कोड करके कर सकता है। ओके बेटा चलो आगे, डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम, कि सर आपका रिटर्न ऑफ इनकम डिफेक्टिव हो जाए कब? अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट कुछ सर्टिफिकेट्स लगाने थे जो नहीं लगाए तो उसकी वजह से आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है। सर क्या क्या? रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी ट्रीटेड एज डिफेक्टिव इफ ऑल द कॉलम्स ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम आर नॉट ड्यूली फिल्ड, कि भाई जो रिटर्न ऑफ इनकम है उसके अंदर सारे के सारे कॉलम फिल नहीं किए। सर फैक्स नंबर लिखा हुआ वहां पर क्या लिखेंगे? अरे नॉट एप्लीकेबल कर डैश कर, लेकिन भरना है उसको, खाली नहीं रखना, खाली रख दिया तेरा रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा। और दूसरा, अगर तेरे को सर्टेन डॉक्यूमेंट लगाने थे, कुछ रिपोर्ट्स लगानी थी रिटर्न के साथ में, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लगाने थे रिटर्न के साथ में और वो तुमने फर्निश नहीं किया, जैसे कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लगाना था और वो तुमने सबमिट नहीं किया, तो बेटा तेरा रिटर्न क्या हो जाएगा? डिफेक्टिव। जब डिफेक्टिव होता है तो एओ है ना, एओ असेसी को इन्फॉर्म करता है, असेसी को क्या करता है? इन्फॉर्म करता है कि भाई डिफेक्ट हो गया है, डिफेक्ट हो गया, इन्फॉर्म करेगा और उसको बोलेगा कि भाई ये 15 डेज के अंदर इस डिफेक्ट को दूर कर, 15 डेज के अंदर, ठीक है, डिफेक्ट वहां पे रेक्टिफाई करने का, क्या करने का है? रेक्टिफाई करने का है, ये बोलेगा वहां पे। अगर रेक्टिफाई कर दिया 15 डेज के अंदर, यस, तब तो आरओआई क्या हो जाएगा? वैलिड। आरओआई क्या हो जाएगा बेटा? वैलिड हो जाएगा। एंड अगर उसने रेक्टिफाई नहीं किया 15 दिन के अंदर, तो इन दैट केस आरओआई क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑफ इनकम क्या हो जाएगा बेटा? इनवैलिड हो जाएगा। एंड इनवैलिड रिटर्न ऑफ इनकम इज एज गुड एज रिटर्न नॉट फाइल,
invalid return of income is as good as कि आपने return file किया ही नहीं है. तो assessee will inform by AO about the defect and assessee has to rectify the defect within 15 days. ठीक है. Consequence of invalid return. Invalid return of income shall be as good as return of income not filed. Therefore, fees under section 234F shall be levable and losses cannot be carried forward. Also, if any refund is due, it shall not be granted. खा जाएंगे department वाले. मतलब सरकार खा जाएगी आपका refund अगर कोई है. However, if any tax liability is there, it shall be recovered from assessee. अगर refund है तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर tax liability है तो वो आपसे वसूला जाएगा पूरा का पूरा. ध्यान रखना ये आपका 139 डिफेक्टिव रिटर्न. उसके बाद में आपका आता है सेक्शन 140 टॉक्स अबाउट पर्सन ऑथराइज्ड टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम. कौन रिटर्न ऑफ इनकम को ऑथराइज करेगा, मतलब साइन कौन करेगा वहां पे. ठीक है. तो अगर इंडिविजुअल का रिटर्न है तो खुद वहां पे इंडिविजुअल हिमसेल्फ वही साइन करेगा. लेकिन इंडिविजुअल लोगों पर पत्थर फेंकता है, मतलब अनसाउंड माइंड है, तो बेटा जो उसका गार्जियन होगा या कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा वो वहां पे करेगा. अगर एचयूएफ का रिटर्न है तो कर्ता साइन करेगा, लेकिन कर्ता अनसाउंड माइंड है या आउट ऑफ इंडिया. अच्छा, इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड या आउट ऑफ इंडिया, आउट या तो आउट ऑफ माइंड या आउट ऑफ इंडिया, दोनों में से कोई भी एक, आउट ऑफ माइंड या आउट ऑफ इंडिया, ये भी आउट ऑफ माइंड या फिर आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया. तो अगर कर्ता आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ माइंड है तो एनी एडल्ट मेंबर ऑफ एचयूएफ. पार्टनरशिप फर्म के केस में एनी पर्सन जो कि मैनेजिंग पार्टनर है इन फर्म ही विल वेरीफाई. लेकिन अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो एनी एडल्ट पार्टनर, एनी और एनी एडल्ट पार्टनर और एनी एडल्ट पार्टनर, एडल्ट पार्टनर अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो. अगर एलएलपी है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर. ठीक है. अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो एनी एडल्ट पार्टनर वहां पे कर सकता है. इफ नो डेजिग्नेटेड पार्टनर तो एनी पार्टनर. ठीक है. अडल्ट होना चाहिए, अडल्ट, नाबालिग नहीं. ठीक है. कंपनी, तो कंपनी किसमें एमडी करेगा. अगर कंपनी नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर कर सकता है. अगर कंपनी लिक्विडेशन के अंदर कंपनी बंद होने वाली है तो जो लिक्विडेटर होगा वो कर सकता है. अगर कंपनी फाइनेंशियल 2018 का अमेंडमेंट कंपनी ने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के अंदर, तो इन दैट केस उस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वहां पे अपॉइंट होता है, जैसे लिक्विडेटर होता है वैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, वो वहां पे कर सकता है. लोकल अगर बीएमसीएमसी केस में प्रिंसिपल ऑफिसर, पॉलिटिकल पार्टी केस में सीईओ पॉलिटिकल पार्टी एंड एनी अदर एसोसिएशन है तो कोई भी मेंबर उस एसोसिएशन का कर सकता है, वहां पे रिटर्न वेरीफाई कर सकता है. तो ये आपके प्रोविजंस थे. उसके बाद में आता बेटा सेल्फ असेसमेंट, है ना. सेल्फ असेसमेंट मतलब आपको क्या करना है, आपको अपना टोटल इनकम निकाल करके, आपको एनटीआई निकाल करके, एनटीआई निकालोगे आप और उसके ऊपर आप क्या निकालोगे, एप्लीकेबल टैक्स रेट से टैक्स निकालोगे. ठीक है. टैक्स निकाल के अगर उसके अंदर सरचार्ज है तो सरचार्ज ऐड करोगे, बराबर. सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है. सरचार्ज ऐड करोगे या फिर माइनस करोगे रिबेट, दोनों में से कोई एक होगा. या तो सरचार्ज ऐड करोगे या फिर क्या करोगे आप, रिबेट अंडर सेक्शन 87A आप लेस करोगे या ऐड करोगे, जो भी सिचुएशन है. या तो सरचार्ज है तो ऐड करोगे, दोनों साथ में कभी नहीं आ सकता. या तो ऐड करोगे या लेस करोगे रिबेट. ठीक है. उसके बाद में जो अमाउंट आएगा इसके अंदर आप ऐड कर दोगे HEC. क्या ऐड करोगे बेटा, HEC ऐड कर दोगे एट द रेट 4%. और ये जो अमाउंट आएगा इस अमाउंट में आप लेस कर दोगे अगर आपने कोई पे किया था एडवांस टैक्स. क्या एडवांस टैक्स अगर पे किया तो उसका क्रेडिट मिलता है बेटा. एडवांस टैक्स अगर पे किया था वो लेस हो जाएगा. अगर आपने पे किया था कोई TDS डिडक्ट हुआ था या टैक्स कलेक्ट हुआ था वो आप लेस कर दोगे. और जो बैलेंस अमाउंट आएगा बेटा, दिस विल बी कॉल्ड ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स. ये खुद ने आपने निकाला है, असेसमेंट टैक्स. क्लियर है. तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है बेटा. ये चैप्टर खत्म होता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग वाला, जो है आपका प्रोविजन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. इतना ही था इसके अंदर. अब एक नया चैप्टर हम लेते हैं, उसको बोलते हैं आपका, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, एक नया चैप्टर ले रहे हैं. उस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नहीं है, सेक्शन है, पर्टिकुलर सेक्शन है. चैप्टर तो जो सेकंड चैप्टर है सेक्शन 10 वाला, उसी के अंदर आता है. डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA बेटा. ये सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन किसको मिलता है, फॉर यूनिट लोकेटेड इन SEZ, जो SEZ के अंदर जो यूनिट लोकेटेड, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर जो यूनिट लोकेटेड है, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, वो जो बिजनेस कर रही है उस बिजनेस को प्रमोट कर ले ताकि वो लोग ऐसा बिजनेस करे. और इंडिया के अंदर क्या है, फॉरेन करेंसी आए, इंडिया के अंदर क्या है, फॉरेन करेंसी आए, इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी आए, फॉरेन रिजर्व आए इंडिया के अंदर.
तो उनको मोटिवेट करने के लिए वहां पर डिडक्शन दिया जा रहा है। वैसा सेक्शन 10 जनरली एग्जेम्पशन बोलते हैं, बट ये जो 10 डबल है इसको बोलते हैं डिडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? डिडक्शन, ठीक है, फॉर यूनिट्स लोकेटेड इन एसईजेड। तो इसको हम एक एक सिचुएशन के हिसाब से पढ़ेंगे कि भाई ये पॉइंट सही, कंडीशन सही, सारी फुलफिल होती है तो वहां पे आपका डिडक्शन मिलेगा बेटा। अब सर क्या क्या कंडीशन है तो एक एक हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एलिजिबल एसएससी कौन होगा सर? एनी एसएससी, चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ईओपी हो, बीआई, कोई एनईएससी कंपनी कोई भी हो, एनईएससी केक कटेगा सब में बैठेगा, केक कटेगा सब में बैठेगा, एनईएससी एनईएससी एनईएससी। दूसरा एलिजिबल बिजनेस क्या होना चाहिए? तो एलिजिबल बिजनेस बेटा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, या तो मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, या फिर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तीसरा एलिजिबल प्लेस, ये बिजनेस कहां करेंगे सर, कहां करेंगे? तो ये जो बिजनेस कर रही है वो यूनिट लोकेटेड होनी चाहिए इन एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर लोकेटेड होना चाहिए। एक होता है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मतलब नॉर्मली जहां पे इस तरह के डिडक्शंस नहीं मिलते, कोई टैक्स बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलते, उनको बोलते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। और दूसरा एक जोन बनाया जाता है उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर उसके अंदर यूनिट लोकेटेड है खाली उसको ही, वही अली। तो मान लो मेरा एक कंपनी है टैक्स गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, कुछ सामान बनाती है मैन्युफैक्चरिंग की, उसके दो यूनिट है, एक यूनिट जो है बोरीवली के अंदर है और दूसरा यूनिट जो एसईजेड है वहां पे है, एसईजेड के अंदर है। तो बेटा जो बोरीवली वाला यूनिट है वो एलिजिबल यूनिट नहीं है, जो एसईजेड के अंदर खाली वही एलिजिबल यूनिट है उसी के लिए डिडक्शन मिलेगा। ओके, तो एलिजिबल प्लेस का होना चाहिए सर, यूनिट शैल बी लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पीरियड ऑफ डिडक्शन बेटा कितने साल का डिडक्शन मिलेगा? तो डिडक्शन आपको 15 साल तक मिलता है, पीरियड ऑफ डिडक्शन मतलब 15 इयर्स का डिडक्शन मिलेगा। 15 इयर्स कहां से? 15 इयर्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच एलिजिबल यूनिट स्टार्टेड बिजनेस, बराबर है, एसईजेड के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया है तो 15 साल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच एलिजिबल यूनिट स्टार्टेड बिजनेस, तो जिस साल बिजनेस स्टार्ट किया वहां से 15 साल काउंट करना है। व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ डिडक्शन? तो बेटा अमाउंट ऑफ डिडक्शन सबसे बड़ी बात, जो डिडक्शन 10 डबल ए को मिलेगा ये जीटीआई के अंदर से, ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलेगा। किसमें से मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम, ये एग्जम्पशन की तरह आपका इनकम में से लेस नहीं होगा, ये ग्रॉस टोटल इनकम में से वहां पे मिलेगा। और मैक्सिमम डिडक्शन जीटीआई के जितना ही हो सकता है, कभी भी एनटीआई नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना बार बार। जैसे चैप्टर 6 से डिडक्शन मिलता है वैसे यही मिलेगा, ठीक है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 डबल ए शैल बी अलाउड एज फॉलो फ्रॉम जीटीआई मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ जीटीआई, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब बेटा मैंने बोला 15 साल में मिलेगा, लेकिन 15 साल का 5-5 साल का वहां पे एक स्लैब है कि फर्स्ट 5 ईयर्स में कितना मिलेगा? 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, जितना आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट है उसका 100% पहले 5 साल मिलेगा। तो मान लो आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था 2010-11 के अंदर, तो 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एंड 2014-15, ये 5 साल वहां पे आपको 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद में अगले 5 साल मतलब 14-15 के बाद में 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20 कितना मिलेगा बेटा? नेक्स्ट 5 इयर्स 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। तो आपको क्वेश्चन में यह भी देखना पड़ेगा कि बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, फिर वहां से आप काउंट करोगे, अच्छा ये 6ठा साल है, जो 1920 कौन सा बेटा, ये 6ठा साल है, कहने का मतलब समझ लो। तो सर कौन सा होता है? अगर मैं बोलता हूं 11-12 को बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो 11-12 अपने को 1920 चेक करना है कौन सा, तो 11-12 को 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट, 12-13 में मिला होगा आपका 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट, ठीक है, 13-14, 14-15 एंड 15-16 ये 5 साल में 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट मिला होगा। उसके बाद में ये हो गया 15-16, 11-12, 12-13, 14-15, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 बराबर 15-16। उसके बाद में 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20 ईयर, कौन सा बेटा? 1920 प्रीवियस इज द 9th ईयर, तो 1920 के अंदर कितना डिडक्शन मिलेगा? 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट वहां पे मिलेगा, बराबर। लेकिन मान लो बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ था 2005-06 के अंदर, 2005-06 के अंदर स्टार्ट हुआ था, 2006-07 ले लेते हैं, 2006-07, 2007-8, 8-9, 9-10 एंड 10-11 ये 5 साल 100% मिला होगा। फिर 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 एंड 15-16 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट मिला होगा। फिर आपका 16-17, 17-18, 18-19 और इस साल कौन सा है? 19-20, तो 19-20 मतलब अभी की बात हो रही है, तो जो लास्ट 5 ईयर्स है मतलब हम लास्ट 19-20 लास्ट 5 ईयर्स में आ रहा है, तो उस केस में बेटा कितना आपको दो चीजें कंपेयर करनी है, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट है उसका 50% ले लो, जैसे सेम एज लाइक नेक्स्ट 5 ईयर्स वाला जो सेकंड 5 ईयर्स था वो वाला 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट ले लो,
और दूसरा अमाउंट डेबिटेड इनटू पीएनएल अकाउंट, एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है, एक रिजर्व क्रिएट किया है, तो उसका रिजर्व का नाम क्या, सरारा 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 ऐसी जेड का है सरारा, ठीक है। तो एक रिजर्व क्रिएट किया, उस रिजर्व को बोलते हैं अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू एसी जेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, एसी जेड नाम से पता चलता है, एसी जेड री इन्वेस्टमेंट, एसी जेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट सरारा। तो जितना अमाउंट पीएनएल में डेबिटेड है उतना अमाउंट सरारा में क्रेडिटेड है, वो अमाउंट या 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट व्हिच एवर इज लोअर उतना डिडक्शन मिल जाएगा। तो अपना 1920 लास्ट 5 इयर्स में आता है तो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकालेंगे, और दूसरा हम देखेंगे अमाउंट दे रखा होगा पीएनएल के अंदर वहां पे दे रखा होगा, या डायरेक्टली देखा होगा कितना इस साल वहां पे पीएनएल में डेबिट करके और सरारा में क्रेडिट किया गया, वो अमाउंट व्हिच एवर इज लोअर, ये हर साल आपको क्रिएट करना जरूरी होता है। ये जो ये कंडीशन है, ये अपना में कंडीशन, ये जो एसीजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, ये आपको एवरी ईयर वहां पे चाहे पहले 5 साल, दूसरे 5 साल या तीसरे 5 साल आपको ये क्रिएट करना ही पड़ेगा, ये क्रिएट करना ही पड़ेगा व्हिच एवर इज लोअर। अब क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट आता है सर, ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट दे रखा है, सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या होगा? तो बेटा आपको सिर्फ एलिजिबल यूनिट के लिए डिडक्शन मिलता है, किसके लिए, सिर्फ एलिजिबल यूनिट के लिए डिडक्शन मिलता है। तो एलिजिबल यूनिट का जो टोटल पीजीपी है, टोटल पीजीपी आप नॉर्मली पीजीपी निकाल दो, आपके पास में दोनों का डेटा होगा, बोरीवली वाली यूनिट का भी डेटा होगा और आपके पास में डेटा होगा जो एलिजिबल यूनिट का भी डेटा होगा, या फिर हो सकता है आपके पास में टोटल पूरी बिजनेस का डेटा दे रखा, पूरी कंपनी का डेटा दे रखा हो और एक साइड में बोरीवली का डेटा दे रखा हो, तो आप वहां पे गुणा भाग माइनस एड करके आप एलिजिबल यूनिट जो एसीजेड वाली यूनिट है उसका डेटा निकाल लो। तो पीजीबीपी आपको किसका दे रहा, यूनिट लोकेटेड टू एसीजेड, उसको मल्टीप्लाई करोगे एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ एसीजेड यूनिट, क्योंकि ये डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप एक्सपोर्ट करते हो, फॉरेन रेवेन्यू आ रहा है। तो आप क्या करोगे, जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकाल रहे ना बेटा, तो टोटल पीजीपी ऑफ यूनिट लोकेटेड, टोटल प्रॉफिट है, टोटल पीजीपी ऑफ यूनिट लोकेटेड इन एसीजेड, पूरे बिजनेस का नहीं खाली एसीजेड की यूनिट का प्रॉफिट, इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ एसीजेड यूनिट, जो एसीजेड का यूनिट का एक्सपोर्ट टर्नओवर वो डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ एसीजेड यूनिट, बराबर है। ऐसी जो यूनिट का टोटल टर्नओवर के ऊपर टोटल प्रॉफिट दे रखा है तो उसको वहां पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ ऐसी यूनिट से, तो आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आ जाएगा किसका, ऐसी जो यूनिट का, फिर पहले 5 साल में 100%, दूसरे 5 साल में 50% और लास्ट के 5 ईयर्स में 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और जितना सरारा के अंदर भेजा गया है वो विच एवर इज लोअर, ये आपको एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलता रहेगा। अब बेटा कुछ अदर कंडीशन है, अदर कंडीशन सर क्या क्या है सर, तो अदर कंडीशन आपका पहला आता है कि जो सरारा के अंदर जो अमाउंट क्रेडिट किया जा रहा है एवरी ईयर, साल दर साल, साल पहले 5 साल, दूसरे 5 साल, तीसरे 5 साल आप कर रहे हो वहां पे, ये अगर आपको डिडक्शन लेना है तो सरारा क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू सरारा शुड बी यूटिलाइज फॉर एक्वायरिंग, मैंने क्या बोला, नाम क्या है सरारा, अरे सरारा फुल फॉर्म क्या है, एसीजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, मतलब आप रिजर्व क्रिएट करो और वो पैसा बाद में यूज होना चाहिए एसीजेड के अंदर ही, बिजनेस में यूज होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपने सरारा क्रिएट किया है वो सरारा का पैसा आपको नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के अंदर लगाना पड़ेगा, और उस नए प्लांट एंड मशीनरी को पुट टू यूज भी करना पड़ेगा, कितने टाइम में, विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच रिजर्व वॉज क्रिएटेड। तो मान लो 2005-06 में बिजनेस स्टार्ट हुआ और 2005-06 के अंदर आपने सरारा क्रिएट किया, हर साल करना पड़ेगा, तो 2005-06 में 31 मार्च 2006 से 3 साल, 31 मार्च 2007, 2008, 2009, बराबर, विद इन 3 इयर्स आपको नया प्लांट एंड मशीन खरीद के पुट टू यूज भी करना पड़ेगा, नया प्लांट एंड मशीन, न्यू प्लांट एंड मशीन, सेकंड एंड न्यू प्लांट एंड मशीन खरीद के उसको पुट टू यूज करो, ठीक है, बात समझो। 19-20 के अंदर आपने सरारा क्रिएट किया, 1920, तो 1920 मतलब आपका 31 मार्च 2020 दिस 3 इयर्स, तो 31 मार्च 2021, 2022 एंड 2023 तक आपको प्लांट एंड मशीन नया खरीद करके उसको पुट टू यूज करना पड़ेगा। अगर आपने उस पैसे को, उस रिजर्व को अगर गलती से कहीं और खर्चा कर दिया, उनके नशे में उड़ा करके आ गए, या फिर आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाए 3 साल में, तो जितना आपने डिडक्शन लिया था जिस साल वो क्रिएट किया गया था, जितना डिडक्शन लिया था उस साल, वो टैक्सेबल हो जाएगा। एंड इफ अमाउंट ऑफ सरारा रिमेन अनयूटिलाइज, या तो यूटिलाइज नहीं हुआ या मिस यूटिलाइज, देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 10EE क्लेम अर्लियर शैल बी टैक्सेबल। ओके बेटा, ये स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, वहां पे तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। एक बार एक्सपोर्ट टर्नओवर सर, एक्सपोर्ट टर्नओवर और जो टोटल टर्नओवर का डेफिनेशन दे रखा है बेटा, उसमें से कुछ चीजें हटानी है आपको, अगर दे रखी है और अगर हटा रखी है ऑलरेडी तो जोड़ना नहीं है। एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर ऑफ एसीजेड यूनिट डज नॉट इंक्लूड अगर कोई फ्रेट पे किया गया है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है, या इंश्योरेंस
इंश्योरेंस और एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया है, तो बेटा उसको हटा दो आप, उसको क्या कर दो, हटा दो। क्यों? क्योंकि सर ये जोड़ोगे तो आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट बढ़ेगा, टोटल टर्नओवर बढ़ेगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर बढ़ेगा, टोटल टर्नओवर बढ़ेगा, तो साइमल्टेनियसली आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा डिडक्शन। तो सरकार क्या बोलती है, ये सारी चीजें हटाओ। इसके अलावा अगर आपको कैश कंपनसेटरी सपोर्ट वगैरह मिला है, ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह मिला है, तो वो भी आपका पार्ट नहीं होगा। एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो कंसिडरेशन आपको मिला है एक्सपोर्ट करने के लिए, जो एसईजेड के अंदर मैन्युफैक्चर किया है आपने, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया है, वो एक्सपोर्ट करने के लिए जो कंसिडरेशन मिला है, जो एक्सपोर्ट कंसिडरेशन मिला है और वो इंडिया लेकर के आगे ब्रॉट इनटू इंडिया इन फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी, फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी, इंडियन रुपीस में नहीं, फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी, या तो करंट प्रीवियस ईयर में या फिर विद इन सिक्स ईयर फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो मान लो या तो 19-20 के अंदर ही लिया फॉरेन करेंसी इंडिया में, 19-20 में अगर नहीं मिलता, डेटर नाम की भी चीज होती है ना, पैसा लोग बाद में भी देते हैं, तो उस केस में सर 31 मार्च 2020 से छह महीने मतलब 30 सितंबर 2020 तक वो पैसा फॉरेन करेंसी में इंडिया आ जाना चाहिए। सर किसी रीजन की वजह से नहीं ला पा रहे हैं तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलो आउटसाइड इंडिया, सेपरेट बैंक अकाउंट खोलो आउटसाइड इंडिया आरबीआई की परमिशन से, और वो पैसा उसमें जमा करवाओ। ओके, तो वो जितना भी आपका हो जाएगा वो एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट हो जाएगा और वो ले सकते हो। ठीक है, अगर मान लो 2 लाख रुपए आपने फॉरेन में खर्च कर डाले, तो वो 2 लाख रुपए आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर से हटा देना है, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर कम हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर कम मतलब एक्सपोर्ट प्रॉफिट भी कम, और जब एक्सपोर्ट प्रॉफिट कम तो डिडक्शन भी कम मिलेगा। दैट्स इट, ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इससे रिलेटेड मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस एक बार देख लेना, ठीक है, और क्लियरिटी आ जाएगी। अब एक और छोटा सा चैप्टर बेटा आता है एएमटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, देखो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है बेटा एएमटी, दीज आर स्पेशल प्रोविजंस बराबर, कि आप क्या करते हो अपना टैक्स बचाने के लिए बड़े बड़े डिडक्शन ले लेते हो। जैसे सेक्शन 35 एडी के अंदर आपने डिडक्शन ले लिया, 100% डिडक्शन, या 10EE वाला अभी हमने देखा, 10EE वाला डिडक्शन ले लिया, ठीक है, 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, 50% और अमाउंट क्रेडिटेड टू एसईजेड रीइन्वेस्टमेंट अलाउंसेस व्हिचएवर इज लो, इतना डिडक्शन ले लिया आपने, तो इससे आपका क्या हो गया सर, नेट टोटल इनकम कम हो गया। टोटल इनकम कम मतलब टैक्स वहां पे या तो आपने पूरा का पूरा बचा लिया, टैक्स कम पे किया। सरकार क्या बोलती है, ऐसे लोग चीटिंग करके तो यार हमारा तो नुकसान करवा देते हैं, हमारे पास तो टैक्स आता नहीं है। तो सरकार क्या बोलती है कि बेटा ऐसे लोगों से बचाने के लिए एक प्रोविजन लेके आए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। क्या बोली बेटा, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, कि भाई अगर ये लोग जो इतने बड़े बड़े हैवी डिडक्शंस ले रहे हैं उनके ऊपर एक अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा, भले आपको नॉर्मल टैक्स में कुछ टैक्स नहीं आ रहा है। सो एएमटी इज एप्लीकेबल टू ऑल द असेसीज कंपनीज को छोड़ के, क्यों, कंपनीज के लिए दूसरा प्रोविजन है जो आपके सिलेबस में नहीं है। कंपनीज के लिए मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, उल्टा नाम, बराबर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो आपके सिलेबस में सीए फाइल में पढ़ोगे। तो एएमटी इज एप्लीकेबल टू ऑल द एसएससी, सबको एप्लीकेबल, इंडिविजुअल, एचयूए, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, एजेपी, सबको एप्लीकेबल होगा, सिर्फ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा, ठीक है। दूसरा एएमटी सिर्फ, तो सर हम, आप इंडिविजुअल हो सर, आप भी क्या अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे, नहीं बेटा मैं कौन से बड़े बड़े डिडक्शन लेता हूं। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज फॉर असेसी क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA to 80RRB। तो बेटा आपके कोर्स में तो खाली दो ही सेक्शन है, इसको हटा करके मैं ऐसे लिखू, खाली दो ही सेक्शन है सर, कौन कौन सा सर, एक है 80QQB एंड 80RRB, कैसी कैसी बुक्स, एंड जो पेट्रोल वाला रॉयल्टी वाला वो वाला। तो अगर आपने इस सेक्शन में डिडक्शन लिया है तो आपको एएमटी वहां पे भरना पड़ सकता है, या आपने डिडक्शन लिया है 10EE के अंदर, 10EE के अंदर अभी पढ़ा हमने एसईजेड वाला, तो आपको वहां पे एएमटी भरना पड़ सकता है। 35AD के अंदर डिडक्शन लिया तो एएमटी भरना पड़ सकता है, ठीक है। आगे बताओ ना, ड्यू टू बेनिफिट्स अंडर दीज सेक्शंस टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच असेसी रिड्यूसेस टू अ नॉमिनल अमाउंट, कि भाई इनकी वजह से ये देखो ये कितना है यहाँ पे 100%, 50%, ठीक है, और 50% और दूसरा वहां पे आपका और सरारा, विच एवर इज लोअर, बराबर है, विच एवर इज लोअर, ये मिलता है डिडक्शन, तो अच्छा खासा आपने टोटल इनकम कम कर दिया, ये तो 100% है वहां पे, 100%, ठीक है, ये भी 100% रॉयल्टी या 3 लाख रुपीज जो भी मैक्सिमम वगैरह है उतना आप डिडक्शन ले जाते हो, कहने का मतलब, तो उसकी वजह से आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। हेंस सेक्शन 115JC मतलब एएमटी रिक्वायर्स टू सच असेसी टू पे मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स, दिस इज नोन एज अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अकॉर्डिंगली टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सच असेसी इज कंप्यूटेड एज फॉलो, सर टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे,
पहले हम निकालेंगे नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स। मैं आपको कल इसके ऊपर क्वेश्चन करके बताऊंगा टोटल इनकम के टाइम पे। पहले आपको क्या निकालना है, नॉर्मल टैक्स एज पर जनरल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, जो जितने भी डिडक्शन सारे लेकर के नॉर्मल टैक्स निकाल दो। और दूसरा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स विच एवर इज हायर। अब ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैसे निकालते हैं बेटा, तो उसका रेट है 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। उसमें सरचार्ज ऐड कर दोगे अगर सिचुएशन है वहां पे तो, और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% बेटा, 4% वहां पे आपको HEC ऐड कर देना है 4%, ठीक है। 18.5% एडजस्टेड टोटल इनकम, सरचार्ज और उसमें HEC जोड़ना 4%, ये आ गया आपका AMT। अब जो क्वेश्चन था सर व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम, तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते बेटा, आप NTI निकालो। सर NTI कैसे निकालते हो, देखो ये आपका हो गया। अच्छा मैं बताता हूँ आपको कि सपोज ये आपका PGUP आपका 1,00,000 रुपए, लेकिन आपने 35AD का डिडक्शन था वो ले लिया, 35AD का स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन ले लिया था वो, सपोज 5,00,000 का डिडक्शन था, तो आपका PGUP कितना आ गया बेटा, 5 लाख आ गया, कितना आ गया 5 लाख। फिर अदर इनकम वगैरह मिला करके, सब अदर इनकम वगैरह कैपिटल गेन वगैरह सब मिला करके, CG वगैरह जो भी मिला करके, सपोज GTI हो गया आपका, मैं अदर इनकम में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जोड़ देता, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना सर 5,00,000 का, कितना हो गया सर 10,00,000। 10 में से आपने वहां पे 10AA का डिडक्शन ले लिया, 10AA का डिडक्शन ले लिया 2,00,000 का, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, प्लस आपने 80QQB 80RRB का डिडक्शन ले लिया अगर कुछ है तो, 80QQB का ले लिया, कितना सर 2,00,000 रुपए। तो आपका NTI कितना आ गया बेटा, नेट टोटल इनकम आपका आ गया 10 में से 2 गया और 2 गया 6,00,000 रुपीज। अच्छा ये तो आपको करना ही पड़ेगा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, फिर आप इसके ऊपर टैक्स लगा दोगे जो भी स्लैब रेट वगैरह जिस रेट से लगता है वो टैक्स लगा दो, तो यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा, और फिर इसके ऊपर टैक्स, तो नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना, एडजस्टेड टोटल इनकम। तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना है, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो NTI है ना NTI ले लो वहां पे सर, कितना है 6,00,000 रुपए, और उसमें से जो जो डिडक्शन वहां पे दिया है वो वापस एड बैक करो, जैसे कि 35AD का डिडक्शन कितना सर 5,00,000 रुपए, प्लस 10AA का डिडक्शन कितना सर 2,00,000 रुपए, 80QQB 80RRB का डिडक्शन, 80QQB का डिडक्शन कितना 2,00,000 रुपए, सर टोटल इनकम 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 15,00,000 रुपीज आपका ATI हो गया। देखा ना सारा इफेक्ट हटा दिया जो बड़े बड़े डिडक्शन लिया, यहाँ पे देखो नेट टोटल इनकम 6,00,000 था, इसके ऊपर आप टैक्स निकालोगे, उसको टैक्स के ऊपर जो भी सरचार्ज वगैरह जोड़ना है इसको बोलते हैं नॉर्मल टैक्स। अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो वो, प्लस HEC एप्लीकेबल है तो वो निकाल के आपका नॉर्मल टैक्स आया, ठीक है। सपोज ये ₹1,00,000 आया और ये इसके ऊपर आप निकाल लो 15,00,000 के ऊपर एट द रेट कितना। अच्छा इसमें एक काम और करना बेटा, ये ATI नहीं, सॉरी दिस इज नॉट ATI, ये टोटल कितना हो गया बेटा 15,00,000 टोटल इनकम हो गया, 15,00,000 का टोटल इनकम हो गया। अब एक बात बताओ, 35AD का अगर आप डिडक्शन नहीं लेते तो आपको डेप्रिशन मिलता है, नोशनल डेप्रिशन बिल्कुल सर मिलता। तो मान लो ये बिल्डिंग है, क्या बेटा बिल्डिंग, तो 10% डेप्रिशन मिलना चाहिए था, तो 5,00,000 का 10% डेप्रिशन, नोशनल डेप्रिशिएशन वहां पे आपका आएगा, ठीक है। 5,00,000 का 10% मतलब 50,000 वहां पे आ गया, 50,000 आ गया के, तो सर ये 14,50,000 एडजस्टेड टोटल इनकम आ गया। अब आप इसके ऊपर 18.5 AMT एट द रेट 18.5% निकालो, प्लस सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो वो जोड़ दो, और HEC है तो वो जोड़ दो, और ये जो टैक्स आया बेटा ये हो जाएगा आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। और ये दोनों कंपेयर करोगे विच एवर इज हायर वो आपको पे करने का। तो ये देखो नेट टैक्सेबल इनकम ले लिया आपने, ATIA टू ATRRB, तो अपने केस में 80QQB टू ATRRB बराबर वो ले लिया आपने, ऐड कर दिया, ऐड बैक में ऊपर एग्जांपल बताया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA ऐड बैक कर दिया, 35AD वाला भी ऐड बैक कर दिया, और डेप्रिशन ऑन एसेट ऑन व्हिच डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD इज क्लेम, मतलब आपको नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करना है कि भाई अगर मैं डिडक्शन नहीं लेता कम से कम नोशनल डेप्रिसिएशन मिलता, वो आप लेस करोगे तो एडजस्ट टोटल इनकम आएगा। इसको 18.5% ले लो, सरचार्ज ले लो, HEC ले लो, आपका AMT आ जाएगा, इसको कंपेयर कर लो नॉर्मल टैक्स के हिसाब से, विच एवर जाहिर वो आपको AMT पे करना है। अच्छा क्या बोला था, हर एक के ऊपर अप्लाई होगा, कंपनी को छोड़ के सबके ऊपर, लेकिन इंडिविजुअल मैंने बोला मैं थोड़ी पे करता हूँ AMT, क्योंकि मैं वो बड़े डिडक्शन नहीं लेता, उसके अलावा
मेरा एक लिमिट भी है. इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF AOP BOI AMT इज नॉट पेबल इफ एडजस्टेड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹20 लाख. ये क्वेश्चन बन सकता है MCQ. इस चैप्टर से MCQs बहुत बन सकते हैं वहां पे. ठीक है, तो अगर मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम जो निकाला ना ऊपर, एडजस्टेड टोटल इनकम वो अगर अप टू ₹20 लाख है तो मेरे को ऐसा करने की जरूरत नहीं है. मान लो ये यहाँ पे 14.5 लाख है तो मेरे को ये करने की जरूरत ही नहीं है, मगजमारी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू रुपीज. मैं अगर इंडिविजुअल, मैं कौन हूँ इंडिविजुअल, लेकिन मान लो मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ इंडिविजुअल, इनके अलावा इंडिविजुअल एच पार्टनर AOP BOI के अलावा अगर पार्टनरशिप फर्म या LLP हो तो बेटा ये 14.5 लाख फिर भी AMT निकालना पड़ेगा. ठीक है, नो टू प्रोविंस ऑफ AMT क्रेडिट अंडर स्कीम 115JD आर सेम एज प्रोविंस ऑफ MAT क्रेडिट. मतलब देखो यहाँ पे कभी ऐसा होगा ना कि मान लो आपका AMT आया 10 लाख और नॉर्मल टैक्स आया 8 लाख, क्या पे करोगे? विच एवर इज हायर, तो आपका टैक्स पेबल क्या हो जाएगा? टैक्स आपको पे करने का है पेबल ₹10 लाख, विच एवर इज हायर. अब आप देखोगे कि सिचुएशन यहाँ पे क्या, आप AMT क्रेडिट निकालना है. AMT क्रेडिट कैसे निकालोगे? जब कभी भी, कब निकालोगे? व्हेन AMT इज ग्रेटर देन नॉर्मल टैक्स. अगर नॉर्मल टैक्स ज्यादा तो AMT क्रेडिट नहीं मिलता. अगर वहां पे आपका AMT ज्यादा तो मिलेगा. सर कैसे निकालोगे? तो सर AMT माइनस नॉर्मल टैक्स. तो सर यहाँ पे AMT कितना है? 10 लाख और नॉर्मल टैक्स कितना? 8 लाख. कितना सर? 2 लाख का आपका AMT क्रेडिट आ गया. और ये जो AMT क्रेडिट है ये 15 इयर्स तक आगे क्रेडिट फॉरवर्ड होता है, 15 इयर्स तक क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता है. और फ्यूचर में जब कभी नॉर्मल टैक्स ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा बेटा? नॉर्मल टैक्स ज्यादा होगा क्योंकि आपने AMT भरा, ज्यादा टैक्स भरा है ना. तो फ्यूचर में जब कभी AMT जी के नॉर्मल टैक्स ज्यादा होगा तो ये 2 लाख आप सेट ऑफ कर सकते हो 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके. ओके बेटा, तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन लूंगा आपको, तब समझा दूंगा. तो आज बेटा हमने ये छोटे छोटे 3 चैप्टर किए. ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा. अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई शंका है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूँ. ठीक है, इसके अलावा आप क्वेश्चन कीजिएगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो क्वेश्चन कीजिएगा. ठीक है, चाहे रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम से रिलेटेड या फिर 10W से रिलेटेड मॉड्यूल के अंदर अच्छे क्वेश्चन देखकर 10W से रिलेटेड वो क्वेश्चन कीजिएगा. AMT का तो मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा. तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. और हाँ दोस्तों, एक और चीज, टोटल इनकम का चैप्टर करने से पहले मैं जरूर बोलूंगा कि आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है टैक्स रेट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, वो प्लीज एक बार रिवाइज कीजिए. नहीं तो वीडियो देख डालना, छोटा ही वीडियो है, प्लीज वो एक बार देख डालना. ओके दोस्तों, तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. मैं आपका दोस्त और डीटेल घोष प्रोफेसर अमित राजपूत आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ. थैंक यू सो मच. पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए. पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया. गुड नाइट.